वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत बहुत ही प्यारे से फूल के साथ। तो देखिए ये फूल कितना प्यारा लग रहा है। इसका नाम है जीनिया। तो जीनिया का प्लांट है, इसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो जीनिया का प्लांट लगाने के सोच रहे हो तो इसको बीज से लगाएं। मैंने इनको बीज से ग्रो किया था और इसके बीज जो होते हैं वो 4-5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर इसका पौधा 10-15 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है और उसकी पौध लगाएं आप, चाहे मिट्टी में लगाएं चाहे गमले में लगाएं, और बड़ी जल्दी ग्रो करता है। ये जो प्लांट होता है ये समर सीजन का प्लांट है। गर्मियों में अच्छे से चलता है, सर्दियों में नहीं होता है, गर्मियों में चलता है। तो इस प्लांट को बनाने के लिए हमें जो मिट्टी बनानी चाहिए तो वो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो ऐसे लगाएं कि जो मिट्टी जब हम इस मिट्टी में गमले में पानी दें तो पानी ड्रेन हो जाए, इसमें रुकना नहीं चाहिए। और इसकी शावरिंग करनी हफ्ते में 2 ही बार शावरिंग करें, ज़्यादा नहीं। इसके फूल के ऊपर ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, बस मिट्टी गीली रहनी चाहिए, मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए और ये अच्छे से चलता है। तो इसकी जो मिट्टी बनाई मैंने उसमें सिर्फ गाय के गोबर की खाद डाली और ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको नहीं देना चाहिए गर्मियों में, इससे पौधा जल जाता है, इसकी पत्तियाँ जल जाती है। और आगे इसके जो जीनिया के प्लांट के लिए जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है तो 1 महीने में 1 बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, उससे भी इसमें फूल ज़्यादा आएंगे। और इसके जो लगाने का टाइम होता है तो इसको फरवरी महीने में सीड के थ्रू ग्रो किया जाता है और मार्च में इसकी पौध तैयार करके लगा दिया जाता है। अप्रैल महीने में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और ये फूल जो है ये पौधा जो है जुलाई अगस्त तक फूल देता रहता है। और जब इसमें फूल जो इसके पुराने फूल हो जाते हैं खिलने के बाद मुरझाने लग जाते हैं तो आप इसके जो फूल की जो स्ट्रोक होती है उसको नीचे से काट के अलग कर दें और जो इसके सूखे हुए बीज होते हैं उनको धूप में सुखा कर, इसमें वो नमी नहीं रहनी चाहिए, पूरे सुखा कर अगले सीजन के लिए इस बीजों को तैयार कर लें। और देखिए कितना प्यारा फूल होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।